चप्पल उतार। चलो वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंजीनियर एस के समेले योगा गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। अभी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में, बहुत ही नेचुरल और सुंदर प्लेस पे खड़ा हुआ हूँ। ये पन्ना शहर से बिल्कुल सटा हुआ, मकानों से सटा हुआ प्लेस है, मदार टूंगा पहाड़ी। और आप इस पहाड़ी से बहुत सुंदर नजारा देख सकते हैं। मेरे बाएं तरफ है जो तालाब, यहाँ पर 5 तालाब आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। उधर हमारे एक लोकपाल सागर है, बहुत बड़ा तालाब है, पानी की सप्लाई इरिगेशन पर्पज के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी होती है। उसके बगल में एक और तालाब है, पीछे भी एक सिंह सागर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और उस तरफ मठिया तालाब देख रहे हैं। और जो है पन्ना में चूंकि है बहुत सारे ताल तलैया और सागर हैं, लगभग 5 ताल 5 तलैया और 5 सागर स्टेट टाइम में राजाशाही जमाने के समय उस समय के तत्कालीन नरेशों के द्वारा बनवाए गए थे। तो बहुत ही, और मेरे दाहिनी तरफ है मदार साहब, ये हमारे जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनकी श्रद्धा का ये बगल में ये केंद्र है, ये झंडा हरा लगा हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, इबादत करते हैं, और इस प्लेस पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही विहंगम, बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक सीन है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, हमारा हिप्नोटिज्म के प्रति कैसे रुझान हुआ और मैं कैसे हिप्नोटिस्ट बन गया। ये थोड़ा लोग मुझको पूछते हैं कि मैं आपके जैसा हिप्नोटिस्ट बनना चाहता हूँ, कितने दिन में बन जाऊंगा। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी तरह मुझे क्या 2 दिन में बन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे मैं बता दूं कि मेरा जन्म है जो 1964 में, 1964 में टीकमगढ़ जिले के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था, दैट इज कॉल्ड मालपिथा। उस गांव से मेरा सफर शुरू हुआ, स्कूल बहुत दूर था, पैदल जाना पड़ता था, बसेज के साधन नहीं थे, गांव में लाइट नहीं थी। तो शुरू में मैं कक्षा 7वीं 8वीं में जब पढ़ता था तो लगभग 6 किलोमीटर रोज पैदल जाना, 6 किलोमीटर रोज पैदल आना। फिर मैं 11th में जब गया, 9th 10th 11th, उस समय 11th बोर्ड हुआ करता था, उस समय मैं लगभग 11 किलोमीटर रोज पैदल जाता था, 11 किलोमीटर रोज पैदल आता था। इतनी संघर्षशील कहानी है मेरी, और मेरा रुझान शुरू से ही योग अध्यात्म और ध्यान मेडिटेशन इसकी तरफ शुरू से ही हमारा रहा है। फ्रेंड, उसके बाद कॉलेज गया, कॉलेज भी 30 किलोमीटर दूर था टीकमगढ़ जिला लेवल पर, वहाँ पर 30 किलोमीटर रोज साइकिल से जाता था, 30 किलोमीटर रोज साइकिल से आता था, 7 किलोमीटर पर डे साइकिल चला। तो मेरी कहानी है बड़ी संघर्ष की है और संघर्ष ही जीवन है। मैं आपसे बता दूं, आप जीवन में जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी परेशानियों को फेस कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं, आप उतने ही मजबूत बनते हैं, क्योंकि संघर्ष हमारे लिए, हमारे विकास के लिए सीढ़ी बन जाता है, हमारी गोल अचीवमेंट के लिए स्टेप का काम करता है। इसे संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। बाधा सह युष्मान शक्ति सेव्यम लक्ष्यम स्थापित, हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है, जो भी बाधा जीवन में आ रही है निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, बाधा को पार करके और आगे बढ़ते जाइए, यही जीवन की कहानी है। बिना संघर्ष के एक पल आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आपकी यात्रा आगे बढ़ नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरी इसके बाद मैं सन 77-78 के आसपास की बात है, मुझे मेरे पिताजी ने, चूंकि हमारे पूज्य पिताजी धर्म और आस्था और श्रद्धा और मेडिटेशन वो भी इस तरफ थे, उन्होंने मुझे पहली दीक्षा 78-79 में मुझे मेडिटेशन की दिलवाई थी। उस समय मैं समझता नहीं था, कभी करता था कभी नहीं करता था। उसके बाद फिर मेरा रुझान सन 87-88 के आसपास, जब मैं 87 में WRD में जो है सब इंजीनियर हुआ करता था, उसके बाद फिर मैं रेलवे में 88 से 90 तक महाराष्ट्र में दुर्ग नागपुर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट में मैं इंजीनियर था, उसी दौरान मुझे हिप्नोटिज्म की तरफ रुझान हुआ पहली बार, और तंत्र मंत्र की तरफ। उस समय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली साहब बहुत निस्संदेह बहुत ही सिद्ध पुरुष, और बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने की रखी थी सिद्धाश्रम में साधना करके, और निश्चित रूप से उनकी पहली बुक आई थी हिप्नोटिज्म के ऊपर, प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, वो पहली पुस्तक जो है हिप्नोटिज्म के ऊपर उनकी आई। उनके द्वारा जुड़ करके मैं हिप्नोटिज्म की ओर बढ़ गया, और मैंने सारी जो आज मेरे पास पावर है सन 1990, 91 और 92, ये 3 वर्ष के दौरान मैं 1-1 घंटे तक त्राटक कर लेता था, 60 मिनट तक सोचिए। तो वो शक्ति हमने जो है अर्जित करी है,
और कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग अपने अपने वीडियो में बताते हैं, आइए दो दिन में मैं जादू की छड़ी चला दूंगा, मैं टच कर दूंगा, मैं आपको ये पावर दे दूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दो दिन में होता तो सारा भारतवर्ष एक बदल जाता, फिर कोई जरूरत नहीं होती किसी चीज की। तो आप जो भी आपके अंदर एनर्जी पॉजिटिव पावर मेडिटेशन की पावर, वो आपको अर्जित करनी पड़ेगी। देयर इज नॉट एनी शॉर्टकट वे, जो है उसके लिए मेहनत है, लगन है, आपको त्राटक करना ही होगा। बिना त्राटक या ध्यान के आप एक सफल हीलर नहीं बन सकते हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैंने पीडब्ल्यूडी में भी 4 वर्ष मैं इंजीनियर रहा हूँ, मैंने आर्किटेक्चर का भी काम 10 साल किया है। तो बहुत सारी संघर्ष की मेरी लंबी कहानी है, मुझसे पूरी पंडिताई है, जो आचार्यशिप है वो पूरी वो भी करी है, वो भी बनता है। योग का काम तो निःशुल्क मैं करीब 25 साल से लगातार सैकड़ों लोगों को आरोग्य प्रदान कर रहा हूँ। पन्ना पुलिस फोर्स है जो, उसको 10 वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने योगा सिखाया है। इसके बाद मैंने पॉलिटिक्स भी की है, बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों में मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्समैन रहा हूँ, और बाबा रामदेव जी स्वामी जी के यहाँ भी मैं पतंजलि योग समिति का अध्यक्ष रह करके बहुत सारा काम किया, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में रह कर भी। और मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैंने जो एक तरह तरह के बहुत सारे, मैंने पत्रकारिता भी बहुत जबरदस्त की है। 7 ईयर्स एक बड़े अखबार का मैं ब्यूरो चीफ रहा हूँ, उसका बहुत जबरदस्त अनुभव है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत संघर्ष की है, मेहनत की है, लगन की है, जोश की है, जज्बा की है, जुनून की है। तो आप भी जो है निश्चित रूप से एक सफल हिप्नोटिस्ट बने, अच्छी साधना करें, अच्छा त्राटक करेंगे और आप निश्चित रूप से एक सफल हिप्नोटिस्ट आप बन सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मदद करने का, लोग सोचते हैं मैं गरीबों की करता हूं, मैं देख लेता हूं ये मदद करने का पात्र है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फोन मुझे दिन भर में सैकड़ों आते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मदद भी उसकी करना चाहिए जो वाकई में उसका पात्र है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आप भी अच्छे हिप्नोटिस्ट बने, 2 दिन का कोर्स करें, त्राटक का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, अपने आप को बदलें, अपने परिवार को बदलें, समाज को बदलें, राष्ट्र को बदलें, ये बहुत ही अच्छा एक टूल है। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताया कि आपकी जो है कितने दिन की यात्रा है इसमें लगती है, वो आपको मैं बताया। हमारे यहाँ 2-2 दिन सीख के फिर लोग प्रैक्टिकल करते हैं। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनने सीखने के बाद फिर प्रैक्टिकल किया है, वो भी मैं हर वीडियो के साथ करीब करीब प्रैक्टिकल जरूर डालता हूँ। तो वो बहुत ही जरूरी है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक समान रहे। तो दोस्तों, ये सारा और ये बता दूं कि आप हमेशा एकदम खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए। जीवन का हर मोमेंट है जो आपका, हर दिन है, उस दिन को खुशी का दिन बनाइए। अलग से कोई दिन नहीं आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि खुशी का कोई अलग से मोमेंट आने वाला, कोई दिवस मनाने के लिए आने वाला, कोई हफ्ता आने वाला, नहीं। आपका जीवन का हर सेकंड ही आनंदमय है, हर सेकंड को ब्यूटीफुल मोमेंट बनाइए, हर दिन को ब्यूटीफुल मोमेंट बनाइए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो कि मैं हर बार एक शायरी मोटिवेशनल आपके लिए कुछ सेंटेंस जरूर बोलता हूँ, कि मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढ, मुस्कुराने के लिए कोई वजह मत ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। और मुस्कुराने के लिए तो हर पल ही काफी है, हर पल मुस्कुराने को बना करके, तो तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब भी टच कर दूंगा 1000 गुना डीप गहरे सम्मोहन में जाओगे, जब भी टच कर दूंगा 1000 गुना डीप गहरे इनको हाथ करिए ऊपर नीचे, फॉलो करो हाथ को, फॉलो करो इनके डॉक्टर साहब, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे देखो, ऊपर फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो, जल्दी जल्दी फॉलो करो। यस, जैसे ये 3 बोलेंगे डॉक्टर साहब तुरंत नींद में चलेगा। 1 2 3 एंड स्लीप 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 स्लीप, 10 से 0 तक काउंटिंग। ये हमारा टच है, ये जादू है, जब भी टच करूंगा आप पहले से 1000 गुना ज्यादा गहरे सम्मान में चले जाओगे।
बढ़ते चले जा रहे हो पांचवा सिद्धि और गहरा सोना ज्यादा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का जो बटन आ रहा है उसको भी क्लिक करें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स और ताजा वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सकें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।